Good morning, students. This is your first class of computer for class 8. In this class, we are discussing about database management system. हम लोग अभी तक पिछले क्लास में कंप्यूटर पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने केवल डाटा के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस क्लास में हम लोगों डाटा को कैसे मैनेज किया जाता है और डाटा को कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डाटा के बेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके मैनेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक्स। सबसे पहला चीज है डाटा। तो डाटा क्या होता है, व्हाट इज डाटा, आइए हम डिस्कस करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस क्लास में। व्हाट इज डाटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो डाटा क्या होता है, तो देखिए और डाटा जो है उसका मतलब होता है आंकड़ा कोई भी। तो वही आंकड़ा सबसे पहले कहता है व्हाट इज डाटा, ए रॉ फैक्ट्स विथ एन इनकंप्लीट मीनिंग इज नोन एज डाटा, यानी कि वैसा आंकड़ा जो आपका वैल्यू तो देता है लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो इनकंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। वही है रॉ फैक्ट्स विद एन इनकंप्लीट मीनिंग, वैसा आंकड़ा जिसका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं हो उसी को हम लोग डाटा कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, डाटा कैन बी एनालाइजिंग सच एज नेम नंबर इमेज साउंड इटीसी। अब देखिए डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का नंबर हो सकता है, किसी का इमेज हो सकता है या फिर साउंड हो सकता है। जैसे हम लोग डाटा भी लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, तो इसका आपको कोई मीनिंग मिला, 10 क्या है, 20 क्या है, 30 क्या है, कोई भी मीनिंग नहीं मिला। वैसे ही हम लोग लेते हैं रवि, श्याम, अरुण, सचिन, या फिर आप लोग में से ही किसी का भी नाम लेते हैं, तो देखिए वो कोई कंप्लीट डाटा हुआ नहीं हुआ। तो वैसा फॉर्म जिसका मीनिंग हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं, जिसका आंकड़ा जो है हमारा कंप्लीट मीनिंग ना दे, उसी को हम लोग डाटा कहते हैं। तो डाटा का पूरा कंप्लीट मीनिंग कैसे होता है, कब होता है, तो जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तब हमारा डाटा कंप्लीट होता है। तो देखिए व्हाट इज इंफॉर्मेशन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन द डाटा इज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म इज नोन एज इंफॉर्मेशन। देखिए जब हमारा डाटा कोई भी हो प्रोसेस करके कन्वर्ट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में आता है तो वही हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि वैसा डाटा जो हमको पूरा मीनिंग के साथ मिले वही हमारा होता है क्या, इंफॉर्मेशन। तो देखिए अगर हम 10, 20, 30, 40 लिए थे, अब उसमें अगर आगे में हम रुपीज लगा दे तो 10 रुपीज, 20 रुपीज, तो ये हमको एक मीनिंगफुल डाटा दिया। तो देखिए हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जांपल ये है रवि इज 4 इयर्स ओल्ड एंड ही इज अ स्टूडेंट। देखिए उस वक्त हमने केवल रवि लिया था, केवल सचिन लिया था, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, रवि इज 4 इयर्स ओल्ड, रवि जो है 4 साल का है लेकिन क्या है, ही इज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट भी है। तो ये डाटा हमारा मीनिंगफुल हो गया, एक कंप्लीट सेंस दिया इस डाटा का। अब आगे जब हमारा डाटा पूरा हो गया तब हम आते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम अपने डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, हमारा डाटा
डाटा अब मैनेज कैसे होगा। तो देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स का जब हम एक साथ कलेक्शन करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जब हम पूरे के पूरे डाटा का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जब एक हम प्रोग्राम का कलेक्शन करते हैं, दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट मेंटेन डाटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस टू डाटाबेस। जब हम सारे प्रोग्राम्स का, डाटाबेस के सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन लेते हैं तो ये हमको एक डाटाबेस बना के देता है, और जिससे हम एक मीनिंगफुल डाटा बनाते हैं और उस डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ये है हमारा कुछ पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर। पहला है एमएस एक्सेस, दूसरा हमारा है एमएस SQL, तीसरा हमारा है सर्वर। किसी चीज का अगर सर्वर होगा तो वो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही आएगा। और चौथा हमारा है MySQL। ये जितने भी हैं सारे के सारे एक हाई डिफिनीशन लैंग्वेज हैं। इस सारे लैंग्वेज का यूज हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। तो ये तो हमारा था हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्टार्ट। आखिर हमको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ता है, व्हाई वी यूज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम आते हैं नीड ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आइए देखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका नीड क्या है ये देखिए, इट हैज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटाबेस, दैट इज देयर सिंगल लोकेशन सर्वर एक्सेस एंड इट एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अब देखिए ये क्या करता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटाबेस करता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटाबेस का मतलब क्या होता है, यहां एक सर्वर होता है बाकी सब उसके क्लाइंट्स होते हैं। जैसे अभी आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर रहे हैं, उसका मेन सर्वर यहां पे है, इस जंक्शन पॉइंट पे है जहां पे हम हैं, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन आप सब दूसरे दूसरे लोकेशन पर भी रह के उसको एक्सेस कर रहे हैं। एक ही डाटा को हम यहां पे शेयर कर रहे हैं और आप लोग हर जगह से एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि सिंगल लोकेशन टू एक्सेस द डिफरेंट लोकेशन। एक सिंगल लोकेशन से हम ऐसा मैनेज किए हैं कि डिफरेंट लोकेशन वाले सारे के सारे इस डाटा को मैनेज कर, मतलब देख रहे हैं। तो यही है इसका सेंट्रलाइजेशन, इसी से हमारा डाटाबेस क्या होता है, मैनेज होता है। अब है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आखिर हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है, आखिर हम लोग क्यों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये है हमारा एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे फर्स्ट है द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्राइव डाटा। ये है एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्राइव डाटा। किसी भी डाटा को हम अपडेट और रिट्राइव कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों का अगर कोई भी डाटा हमारे पास है, जैसे आप सारे बच्चे का डाटा हम यहां रखे हुए हैं, बाय द वे किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, तो हम उस डाटा को अपडेट करते हैं अपने उस डाटाबेस में जाके। या फिर अगर हमारा कोई डाटा डिलीट हो जा रहा है तो हम फिर से उस डाटा को रिट्राइव करके अपने कंप्यूटर में फिर से लाते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हो जा रहा है तो उसका डाटा वहां से इरेज करते हैं। तो ये है हमारा पास द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्राइव डाटा। अब दूसरा है सपोर्ट कंकरेंट अपडेट्स। अब देखिए ये हमारा सारे अपडेट्स में मदद करता है, जितना भी हमारा डाटा का अपडेशन होते रहता है सारे अपडेट्स में करता है। ये आप जब फिफ्थ से सिक्स में जाते हैं तो आप डायरेक्ट प्रोग्रेस कर जाते हैं, हमारा डाटा प्रोग्रेस में चला जाता है और हम उसको रिट्राइव करके फिर से आपको नए क्लास में ऐड कर देते हैं, हमको फिर से अपने डाटा को इंटर नहीं करना पड़ता है। तो ये है हमारा सपोर्ट्स कंकरेंट अपडेट्स। अब है रिकवरी ऑफ डाटा। रिकवरी ऑफ डाटा क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि किसी भी चीज को आप एक्सेस करते हैं वो आपका डिलीट हो जाता है तो आपका रिसाइकल बिन में जाता है, फिर से आप
रिसीविंग ऑफ डाटा, लेकिन यहां पर कह रहा है रिकवरी ऑफ डाटा। आपने अपने कंप्यूटर का पूरा रिकवरी फाइल बनाया, रिकवरी फाइल का मतलब है आपने अपने कंप्यूटर का पूरा बैकअप बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम का। बाय द वे आपका सिस्टम क्रैश कर गया, जैसे आप लोग लीजिए आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट मारते हैं और उसके जीमेल पर उसके ईमेल आईडी पर सारा अपने मोबाइल का बैकअप बनाए रहते हैं, नंबर का, फोटोज का, गैलरी का, सब कुछ का, और जब आप फिर से उसी मोबाइल में उस ईमेल आईडी को डालते हैं तो कैसे आपका सारा डाटा रिकवर होकर आपके पास आ जाता है। तो वही आपका है रिकवर ऑफ डाटा। फोर्थ है सिक्योरिटी। अब देखिए आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है ये सिक्योरिटी भी देता है। सिक्योरिटी कैसे देता है? ये आपके सारा डाटा को सिक्योर करके एक ऐसे जगह पर रखता है कि केवल आप अगर एडमिन हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी सब लोग के लिए कि उसको आप जो दिखाना चाहते हैं वो वही दिखता है, यानी कि आपका डाटा सिक्योर हो गया। पांचवा है कंट्रोल डाटा एंड रिडंडेंसी। अब देखिए हमारा क्या है कंट्रोल डाटा, आप अपने डाटा को कंट्रोल कैसे करते, जैसे अभी आप लोग वन क्लास से लेकर टेंथ तक सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उसका एक डाटा रेडी है, उसका एक प्लेलिस्ट रेडी है, उस प्लेलिस्ट में जो जिस क्लास में जाता है उस क्लास के सारे लेक्चर्स को एक्सेस करता है। तो ये क्या करता है, सारे डाटा को कंट्रोल करता है और उस डाटा को दूसरे फोल्डर में जाने से रोकता है। सिक्स्थ है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग भी आसान है, हम एक जगह पर बैठ के डाटा को शेयर करते हैं और आप अनदर अनदर जगह पर बैठ के उस डाटा को टेक करते हैं और फिर उस डाटा को आप सब एक टाइम में हर जगह से किसी एप्लीकेशन के द्वारा नेट के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है, ये भी जो है आपका एक डाटाबेस का रूल है जिसमें आपको यह बताता है कि कोई भी डाटा इनकरेक्ट लोडिंग तो नहीं हो रहा है। जैसे हम एडमिन हैं, हम यहां से किसी वीडियो को अपलोड करते रहते हैं, अगर उसका रिजोल्यूशन या फिर उसका कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से अगर उसका पिक्सल या फिर फॉर्मेट अगर डिफरेंट हो जाता है तो वो अपलोड नहीं होते रहता है। तो ये क्या करता है, उसका हमको नोटिस देता है कि ये डाटा आपका रॉन्ग फॉर्मेट में है, आप इस डाटा को डिलीट कीजिए और रिट्राइव करके फिर दूसरा डाटा अपलोड कीजिए। लास्ट वन है इरेज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें आपका एप्लीकेशन जो है आपके मुताबिक हर वक्त क्या होते रहता है, अपडेट होते रहता है, यानी कि जब आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तब आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है और जब आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो वो अपडेट नहीं होता है। यानी कि जैसे आपके मोबाइल का अपडेट ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर आता है, द न्यू फीचर इज एडेड फॉर योर एंड्रॉइड, इसी प्रकार से ये भी इस डाटा का अपडेट देता है। आज हम इस क्लास में आपको एक और चीज बताते हैं। अभी तक आप लोग सुने थे कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ये सुने थे, आज हम आपको दिखाते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है तो बाइनरी लैंग्वेज किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो उस पर हम आपको दिखाते हैं एक बाइनरी ट्री, कैसे हमारा पूरा का पूरा डाटाबेस जो है ट्री को हैंडल करता है, वो भी बाइनरी फॉर्म में। तो अभी हमारा है बाइनरी ट्री ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए हम कुछ नंबर लेते हैं, 10, 7, 14, 20, 1, 5, 8, ये हमारा एक नंबर है जिसको लेके हमको एक बाइनरी ट्री बनाना है। क्या बनाना है, बाइनरी ट्री। तो देखिए सबसे पहले बाइनरी ट्री बनाना है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स, दैट्स कोडिंग इज 0 एंड 1, या इसमें दो ही होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही ये हमारा 10, तो इसको ले लीजिए 10। अब ये क्या करेगा, ट्री कैसे बनाएगा, बाइनरी ट्री इसका मतलब इसके पास दो ब्रांच होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, क्योंकि बाइनरी का मतलब
जीरो एंड वन यानी कि एक और दो, दो ही होना चाहिए। तो सबसे सेकेंड नंबर वाला क्या है? सेवन। तो सेवन क्या हम लोग कैसे चेक करेंगे कि किस डाटा को कहां लगाना है? तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा इस रूट एलिमेंट से लेस होगा वो लेफ्ट साइड होगा, जो लेस होगा वो लेफ्ट साइड होगा, और जो ग्रेटर होगा वो राइट साइड होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो सेवन क्या है? टेन से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे? सेवन। अब तीसरा फोर्टीन। फोर्टीन टेन से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। फोर्टीन। थर्ड नंबर हमारा क्या है? ट्वेंटी। हमारा ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इसका हमारा पूरा हो गया, अब इसमें हम तीसरा नहीं दे सकते। तो अब हम चेक करेंगे इसमें और इसमें। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। आपको ऐसे बनाना है। कैसे? हम आपको बता देते हैं। ये आप समझ गए? सबसे पहले यहां लिखिएगा स्टेप वन, और उसमें आप एक रूट एलिमेंट लीजिएगा टेन। फिर स्टेप टू, एन सेवन लेस देन टेन। तो यहां पर आप चेक कर लीजिएगा सेवन लेस देन टेन, इसीलिए यह सेवन। स्टेप थ्री, ये टेन, ये सेवन, ये ग्रेटर देन, इसीलिए फोर्टीन। यहां तक हमारा डेटा पता हो गया 10, 7, 14। अब आ गया 20। तो इसमें सबसे पहले चूज कीजिए, इसमें चूज कीजिए, और इससे भी कंपेयर करिएगा। इससे हमेशा बड़ा इधर होना चाहिए और छोटा ही इधर होना चाहिए। तो हमारा फोर्थ स्टेप में क्या हो गया? 10 लिए, 7 लिए, 14 लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में 20। तो बड़ा हमेशा कहां बोले थे? राइट साइड। अब आ गया हमारा वन। वन हम कहां बोले थे? जो छोटा होगा वो 10, 7, 1, 14, 20। देखिए हमारा ट्री जो है वो धीरे धीरे तैयार होता हुआ जा रहा है। अब हमारा फाइव बचा है और एट बचा है। तो फाइव और एट को हमको ऐड करना है। तो कहां ऐड होगा? ये इस साइड ऐड होगा और एट हमारा फिर से फाइव से बड़ा है, इस साइड ऐड होगा। तो ये हो गया हमारा ट्री पूरा। इस चीज को आप बना के देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम और इस ट्री के बारे में बात करेंगे और डाटाबेस में आगे चलेंगे। तब तक के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। तो आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डीबीएमएस? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज DBMS? दूसरा, व्हाट इज डाटा? तीसरा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? चौथा, व्हाट इज डाटाबेस? जो हम आपको नहीं बताए हैं इसको आपको लिखना है और नेक्स्ट क्लास में डाटाबेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पांचवा, नीड ऑफ डाटाबेस। छठा, एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम। और सबसे आखिरी है
draw a binary tree of 10 इससे आपको एक बाइनरी ट्री बनाना है। तो ये है आपका 7 क्वेश्चन जिसको आपको बनाना है और इसको बना के आपको भेजना है व्हाट्सएप पर और आपको मेल करना है। तो अब हम आगे डाटाबेस के बारे में देखेंगे और फिर उसके आगे ऑडियो स्पीकर कंटेंट है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मोरे नेक्स्ट क्लासेस।